नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। बेला मंडल के छपरला गांव में रैतू ऋण माफी पर बड़ा जलसा हुआ। छपरला गांव में आदिलाबाद जिले के कांग्रेस इंचार्ज कंद श्रीनिवास रेड्डी का दौरा। छपरला गांव और बेला शहर में मानो कि दिवाली हो। कार्यकर्ता नेता और किसान खुशी से झूम उठे और राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कंद श्रीनिवास रेड्डी के फोटो को दूध से नहलाया। फिर बाद में बेला शहर में शिवाजी चौक में भी सीएम रेवंत रेड्डी के फोटो को दूध से नहलाया। इस संदर्भ में डीसीसीबी के अध्यक्ष अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा है कि 10 साल से बीआरएस सरकार लोगों को ठग रही थी। वादा किया था किसानों का कर्ज बकाया माफ करने का, लेकिन कर नहीं पाई। झूठ के बुनियाद पर सरकार खड़ी थी, आश्वासन पे आश्वासन दे रही थी, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाया। बाद में कांग्रेस अभ्यर्थी कंद श्रीनिवास रेड्डी ने कमान अपने हाथों में ली और कहा है कि आदिलाबाद जिले कांग्रेस का हाथ हमेशा जनता के हित में रहेगा, क्योंकि हाथ ही हालात बदलेगा और आगे आने वाले लोकल चुनाव में भी कांग्रेस ही का ही परचम लहराएगा। माया माउली ने उनसे सवाल किया कि जरूरी योजनाएं जो है महालक्ष्मी के बारे में, कंद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वो भी योजना जल्द ही लागू की जाएंगी। दूध नहीं मिलता और साइड नहीं मिलता। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। रुद्रा तो बीच में आ गया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। Thank you.
कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे कनी श्रीवास रेड्डी साहब और हमारे काका डीसीसीबी चेयरमैन हटी भोजन रेड्डी साहब, उसी तरह ब्लैक कांग्रेस प्रेसिडेंट संजय गुंडावार जी, माजी जेडपीटीसी रामदास नागले जी और मार्केट चेयरमैन माजी चेयरमैन वामनराव वानखड़े जी, चपराला के हमारे दोस्त विलास पटेल जी, उसी तरह जितने भी गांव-गांव से आए हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और खास तौर पे जो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम क्योंकि आज काश्तकारों के लिए एक त्योहार का माहौल है, क्योंकि पिछले अपन देखे पहले भी जो सरकार थी 10 साल टीआरएस सरकार, कितने लोगों का लोन माफ करे ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब जो वारंगल डिक्लेरेशन में हमारे आदि नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि हम रूलिंग हम अधिकार में आएंगे, एक ही दफा में 2 लाख लोन माफ करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती वो करती, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे हमारी अम्मा सोनिया गांधी ने जो बोली कि हम तेलंगाना देंगे, तेलंगाना दिए। अब राहुल गांधी जी ने बोला 2 लाख कर्जा माफ करेंगे हर किसान का, तो वो कल से शुरू हो गया। ये 15 अगस्त तक सभी 2 लाख किसानों का जितना भी कर्जा है सबका माफ किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि आज कुछ लोग कह रहे हैं कि रईतू बंधु, जो रईतू भरोसा भी दिया जाएगा। सब कांग्रेस पार्टी जो भी मैनिफेस्टो में जो जो बोली वो सब करने वाली है, क्योंकि आज देखे हम टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल में कितने लोगों को कर्जा माफ किया। अब देखो 1 लाख बोले, 1 लाख में से 4 ने लोगों का माफ करे, 12 ने लोगों को इसी रखे। अब ज्यादा बातें नहीं बोलते हुए, क्योंकि अब आगे जाना है। मुझे ये मौका देने पर मैं सभी चपराला के वासियों का मैं सबका एक बार सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे सामने हमारे बेला माजी मार्केट चेयरमैन वामनराव वानखड़े साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। अच्छा, या खुशी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी साहेब यांनी सगळे कास्तकाराच्या 2 लाख पर्यंतचे कर्ज माफ 15 लाख पर्यंत करण्याचे ठरविले आहे। त्यामुळे सर्व कास्तकाराच्या घरात दिवाळीचा सण आलेला आहे। हर घरामध्ये दिवाळी सारखा माहोल तयार झालेला आहे, कारण हे आपण चांगल्या माणसाला निवडून दिल्यामुळे रेप ग्रामाला మీరు నిలదీసే అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మనం వేస్తా ఉన్నాను. రేపు రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కట్టించే ఆలోచన ఉంది. రేపు నిరుపేదలకు ప్రతి ఒక్కరికి 2,800 రేషన్ ఆలోచన ఉంది. రేషన్ కార్డు లేని వాళ్లకు రేషన్ కార్డు ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. పింఛన్ లేని వాళ్ళకు పింఛన్ ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం రేపు ఉంది. రాబోయే ఈ 2-3 నెలలు ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్పి మీ అందరికి నేను మనం వేస్తా ఉన్నాను. రైతులతోని కానీ నిరుపేదలతో కానీ గ్రామ పెద్దలతో ఒకటి మనం వేస్తా ఉన్నాను, యువకులతో కూడా నేను మనం వేస్తా ఉన్నాను. ఏ ప్రభుత్వం అయితే మనకు మంచి చేస్తాయో ఆ ప్రభుత్వానికి మనం అండగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చెప్రాల గ్రామ పెద్దలకు బేల పెద్దలకు అందరికి నా యొక్క పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై జవాన్, జై జవాన్, జై కాంగ్రెస్, రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి నాయకత్వం.
గద్దరు బట్టలు వేసిన వ్యక్తి కాదు, మామూలుగానే ఉండి ఒక కాస్తకారులాగానే ఉండి, కానీ ఆయన దెబ్బ కొడితే ఎట్లుంటుంది అంటే మీరు చూడండి, రెండు ఎలక్షన్లలో దెబ్బకు దెబ్బ ఓట్లు పడ్డాయి మనకు, పడ్డాయా లేదా? అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో పడ్డాయా లేదా? పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో పడ్డాయా లేదా? అట్లనే మా కాక కొడుకు హేమంత్ తమ్ముని కూడా నేను రాజకీయంగా, హేమంత్ తమ్ముని కూడా రాజకీయంగా కాపాడుకునే బాధ్యత నాదే. పోటీ చేసిన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రతి విషయంలో సహాయం చేస్తాడని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. హేమంత్ తమ్ముని కొందరు ఒకసారి అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా. చెప్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడుతున్నటువంటి బిడ్డ తండ్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పెట్టని కోట. అలాగే ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల నాయకులు గంగారెడ్డి గారు, మాజీ వైస్ ఎంపీ, ముఖ్యమంత్రి సాహబ్ కా పాలాభిషేక్ కార్యక్రమ రఖా గయా. ఇస్ కార్యక్రమ మే యహా ఉపస్థిత హమారే కన్ని శ్రీనివాస్ రెడ్డి సాహబ్ ఔర్ హమారే కాకా డిసిసిబి చైర్మన్ అటి భోజారెడ్డి సాహబ్ ఉసీ తరహ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ గుండవార్ జీ, మాజీ జడ్పిటిసి రామదాస్ నాకడే జీ ఔర్ మార్కెట్ చైర్మన్ మాజీ చైర్మన్ వామన్ రావు వాన్ఖడే జీ, చప్రాలాకే హమారే దోస్త్ విలాస్ పటేల్ జీ, ఉసీ తరహ జితనే భీ గావ్ గావ్ సే ఆయే హువే సభీ కాంగ్రెస్ కే కార్యకర్తాఓ కో ఔర్ ఖాస్ తౌర్ పే జో కిసాన్ భాయియో కో మేరా నమస్కార్ ఆదాబ్ జై భీమ్ నమస్ రామ్ రామ్. దోస్తో ఆప్ జాన్తే హై కే హమ్ క్యూంకి ఆజ్ కాస్తకారో కే లియే ఏక్ త్యోహార్ కా మాహోల్ హై, క్యూంకి పిచ్లే అపన్ దేఖే पहले भी जो सरकार थी 10 साल टीआरएस सरकार कितने लोगों का लोन माफ करे ये सब जानते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब जो वारंगल डिक्लेरेशन में हमारे आदि नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि हम रूलिंग हम अधिकार में आएंगे, एक ही दफा में 2 लाख लोन माफ करेंगे. जो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती वो करती, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे हमारी अम्मा सोनिया गांधी ने जो बोली कि हम तेलंगाना देंगे, तेलंगाना दिए. अब राहुल गांधी जी ने बोला 2 लाख कर्जा माफ करेंगे हर किसान का, तो कल से शुरू हो गया, ये 15 अगस्त तक सभी 2 लाख किसानों का जितना भी कर्जा है सबका माफ किया जाएगा. और यही नहीं बल्कि आज कुछ लोग कह रहे हैं कि रईतू बंधु, जो रईतू भरोसा भी दिया जाएगा. सब कांग्रेस पार्टी जो भी मैनिफेस्टो में जो जो बोली वो सब करने वाली है, क्योंकि आज देखे हम टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल में कितने लोगों को कर्जा माफ किया. अब देखो 1 लाख बोले, 1 लाख में से 4 ने लोगों का माफ करे, 12 ने लोगों को इसी रखे. सर्वाना माता नमस्कार, राम राम, जय भीम, आदाब. केल्याबद्दल रेवंत रेड्डी साहेबांना मी धन्यवाद देता हूँ, आणि आमचे लाडके नेता कंद श्रीनिवासला सुद्धा धन्यवाद देऊन मी त्याचं स्वागत करेन. तेलंगणा का प्रजा मुख्यमंत्री हमारा वरिष्ठ नेता श्री रेवंत रेड्डी साहब, 2 लाख का कर्ज माफी हर किसान को, कर्ज माफी ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय है. कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 7 महीने के अंदर 2 लाख का कर्ज माफी कर रही. 10 साल में पिछले हुकूमत में केसीआर बीआरएस 20,000 करोड़ की कर्ज माफी किए, तो 7 महीने के अंदर रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी 30,000 करोड़ से किसानों को कर्ज माफी कर रहे, एक ऐतिहासिक निर्णय है. हमारा कांग्रेस पार्टी और एक बार सब लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी गरीब का पार्टी है, किसानों का पार्टी है, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों का पार्टी है, जो भी गरीब है उसके साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ रहेगा. कांग्रेस पार्टी ये 2 लाख कर्ज माफी निर्णय से हर गांव में
हर किसान को इतना खुशी हो रहे कि अगले चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, कोई भी इलेक्शंस हो, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटियां लागू कर रहे, अभी महिलाओं को फ्री बस पहला गारंटी, और 500 रुपए में सिलेंडर वो भी लागू हो रहे, मुफ्त करंट 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त वो भी लागू हो रहे, अभी 2 लाख कर्ज माफी, पूरा देश की जनता तेलंगाना तरफ देख रहे। क्योंकि जब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब मुख्यमंत्री था, 2008 में 70,000 करोड़ की कर्ज माफी किए, तो अभी 15-16 साल के बाद भी हम याद कर रहे कि तब कर्ज माफ हुआ, अभी 2 लाख कर्ज माफी और 31,000 करोड़ रुपए केवल तेलंगाना में। सब लोग याद रखना, 70,000 करोड़ 2008 में पूरा देश भर में, मगर 30,000 करोड़ आप केवल तेलंगाना में ये कर्ज माफी करना, ये तेलंगाना का मॉडल है, किसानों की मॉडल है। हमारा कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब को हमारा जनता 30 साल तक याद रखेगा कि हमारा रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस पार्टी हमें कर्ज माफी किया बोल के। तो ये बात पूरा किसानों बोल रहे, और तेलंगाना में गरीबों को घर बनाने का 22,000 करोड़ रुपए से इंदिरम्मा घर बनाने के लिए पूरा कोशिश चल रहा है। ये अब सब लोग याद रखना, हमारा कांग्रेस 7 महीने हुआ, इसलिए मैं पूरा तेलंगाना के जनता, आदिलाबाद की जनता के लिए मेरा विनती है, कांग्रेस पार्टी के हाथ गरीबों का साथ रहेगा, किसानों का साथ रहेगा, और हमारा प्रजा सेवा जारी रहेगा। और एक बार भी हमारा पूरे लोग, कंदी श्रीनिवास रेड्डी, जब मैं असेंबली एमएलए इलेक्शन पे लड़ाई किया, सब लोग बोले कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी जीतने के बाद अमेरिका चले जाते, हारने के बाद अमेरिका चले जाते बोल के बोले सब लोग, मगर हारने के बाद भी एक दिन भी मैं रेस्ट नहीं किया, पूरा आदिलाबाद के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरा पूरा कोशिश किया, पूरा मजबूत कर रहे कांग्रेस पार्टी को, बूथ लेवल पे, गांव-गांव पे, खेड़े-खेड़े पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे। तो ये मेरा अगले पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में 77,000 वोट लिए 77,000 वोट, और टीआरएस को कितना मिला, बीआरएस को 16,000। कांग्रेस पार्टी बेला मंडल में पूरा लीड लाया, 1200 से ज्यादा लीड आया बेला मंडल में। कांग्रेस पार्टी को आदिलाबाद टाउन में 45,000 वोट आया और पूरा लीड आया बीजेपी से भी। तो ये जनता का मैंडेट है, जनता का निर्णय है, प्रचंड बहुमत दिया जनता ने। तो हम हार गए एमएलए, फिर भी कांग्रेस पार्टी जनता को सेवा करेगा। सब लोग हमारा बेला मंडल से, हमारा संजय गुंडावर साहब, हमारा बेला मंडल के अध्यक्ष फैजुल्ला खान साहब, हमारा मार्केट कमेटी चेयरमैन वामन वांकडे साहब, एक्स जेडपीटीसी वामन रामदास नागले साहब, सब लोग बेला मंडल, और हमारा बापराव साहब, भूलके साहब है, नानाजी साहब है, पूरा हर बेला गांव में खेड़े खेड़े पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। ये कर्ज माफी, 2 लाख कर्ज माफी जो हुआ, ये ऐतिहासिक निर्णय, तेलंगाना के हिस्ट्री में 100 साल तक जनता इसके बारे में चर्चा करेगा। और ये बात बोलते हुए हमारा मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेले में भी हम कांग्रेस पार्टी सरपंच जीत रहे, बेले का जेडपीटीसी हम जीते,
बेले का पूरा बेला मंडल में एमपीटीसी कांग्रेस पार्टी जीतेगा और बेला मंडल में मंडल प्रेसिडेंट जेडपीटीसी सरपंच हर गांव-गांव में सरपंच कांग्रेस पार्टी जीतेगा और पूरा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रेवंत रेड्डी साहब के नेतृत्व में राहुल गांधी साहब सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर गांव में हम मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी। कंजी श्रीनिवास जी, अभी ये जो सोने पे सुहागा है, बोल तो किसानों को जो 2 लाख की ऋण माफी है वो सोने पे सुहागा है, अभी इसके अंदर आपके जो 6 गारंटी थे कांग्रेस के, उस 6 गारंटी के अंदर 3 जो योजना है वो तो संक्षम लगे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो योजना है महालक्ष्मी, जो महिलाओं को 2500 रुपये की जो योजना है, उसके बारे में कंजी श्रीनिवास अजीलाबाद से क्या कहना चाहेंगे? 100% रेवंत रेड्डी साहब पूरा कोशिश कर रहे जल्दी से जल्दी महालक्ष्मी योजना हर घरवाली को 2500 रुपए कांग्रेस पार्टी दिएगा और ये भी ऐतिहासिक निर्णय होगा, पूरा देश भर में इसका चर्चा जारी रहेगा। सो ये 2500 रुपए महालक्ष्मी योजना जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी लागू करेगा। थैंक यू सर, मायमावली से बात करने के लिए।